हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आ चुका है एक इंडियन गेम का बहुत ही धमाकेदार न्यू अपडेट, और वह गेम इस अपडेट में पूरी तरह से इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसा गेम बन चुका है। और जैसे कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर सेलफोन में चिटकोड नंबर डालना पड़ता है, तो उसी तरह उस गेम के अंदर भी डालना पड़ता है सेलफोन में चिटकोड नंबर। तो चलिए आप लोगों को उस गेम का नाम बता देता हूं और उस गेम के न्यू अपडेट में गेम के अंदर क्या कुछ नया आया, तो चलिए आप लोगों को सबको डिटेल से बताता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सिवा गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड क्लिक जो आइकन उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपडेट के लिए बेल आइकन वाला ना भूलिएगा। इंडियन रियल गैंगस्टर 3D और ये गेम वन टच गेम्स द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑफलाइन गेम है। और इस गेम का डाउनलोड साइज 55 MB के अंदर ही मिल जाएगा। और गेम की इस अपडेट में गेम के अंदर सेलफोन ऐड कर दिया गया, जिसके अंदर आपको चिटकोड नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को सभी चिटकोड नंबर बता देता हूं कि गेम के अंदर अभी के टाइम में कितने चिटकोड नंबर मिलते हैं। तो नंबर 1 में है बुलेट का, जिसका चिटकोड नंबर है 12-12। नंबर 2 में डालने वाले हायाबुसा बाइक का, जिसका चिटकोड नंबर है 12-13। नंबर 3 में डालने वाले ट्रोन बाइक का, जिसका चिटकोड नंबर है 12-14। नंबर 4 में डालने वाले निंजा एचडीआर बाइक का, जिसका चिटकोड नंबर 12-15। नंबर 5 में डालने वाले पल्सर बाइक का, जिसका चिटकोड नंबर 12-16। नंबर 6 में डालने वाले स्प्लेंडर बाइक का, जिसका चिटकोड नंबर 12-17। नंबर 7 में डालने वाले लेमोर्गिनी कार का, जिसका चिटकोड नंबर 12-18। नंबर 8 में डालने वाले होंडा सिटी कार का, जिसका चिटकोड नंबर 12-19। नंबर 9 में डालने वाले बेगनार कार का, जिसका चिटकोड नंबर 12-20। गेम के अंदर अभी के टाइम में टोटल 3 कार्स मिल जाती है और 6 बाइक्स मिलती है। मैंने सभी गाड़ियों के चिटकोड नंबर बता भी दिया है। गेम के अंदर अभी के टाइम में टोटल 10 चिटकोड नंबर मिलते हैं, जिसमें से मैंने 9 चिटकोड नंबर बता दिया है। जो एक चिटकोड नंबर बचा हुआ है, तो इस वीडियो में आगे चलकर मैं आप लोगों को चिटकोड नंबर बता दूंगा। गेम की अपडेट में गेम के अंदर नए गन भी ऐड किए गए हैं, जिसमें से एक है पिस्तौल और दूसरी AK-47। गेम की इस अपडेट में गेम के अंदर नए कंट्रोलर्स भी ऐड किए गए हैं, जो कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के कंट्रोलर्स हैं। गेम के न्यू अपडेट में गेम के अंदर जो नए कंट्रोलर्स ऐड किए गए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। गेम के अंदर गन की साउंड भी बहुत अच्छे तरीके सुनाई दे रही है, बहुत अच्छे तरीके चल रही है। गेम के अंदर कैमरा एंगल भी मिल जाता है। गेम की इस अपडेट में गेम के ग्राफिक भी बहुत अच्छे बनाया गया है, और गेम के अंदर सिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। गेम के सेटिंग में ग्राफिक की क्वालिटी को चेंज करने का सेटिंग मिल जाता है। गेम की इस अपडेट में गेम के अंदर प्लेयर भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। चलाते हैं बाइक को, देखते हैं गेम के अंदर कैसी चलती है। तो कौन सी बाइक ले लें, तो लेते हैं निंजा एचडीआर बाइक को, चलाते हैं, देखते हैं गेम के अंदर कैसी चलती है। तो जल्दी से बैठ जाते हैं बाइक में और स्टार्ट कर लेते हैं बाइक को। और इस गेम के अंदर भी हेलमेट मिलता है, जैसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर हेलमेट के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, तो उसी तरह इस गेम के अंदर भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा हेलमेट के लिए। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्लेयर हेलमेट लगा चुका है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। गेम के अंदर बाइक के कंट्रोलर्स भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। गेम के अंदर बाइक बहुत अच्छे तरीके चल रही है, और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके सुनाई दे रही है। गेम के इस अपडेट में गेम के अंदर जो सभी नए कंट्रोलर्स आए, तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। गेम की सिटी के अंदर नॉन प्लेयर कैरेक्टर भी मिल जाते हैं, और इनका चिटकोड नंबर भी मिल जाता है, यानी कि 10 नंबर में जो चिटकोड नंबर है वो नॉन प्लेयर कैरेक्टर का चिटकोड नंबर है, जिसका चिटकोड नंबर है 10,000। जो ये कैरेक्टर मिलते हैं तो बोलते भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये गेम इस अपडेट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। गेम के अंदर जितनी भी गाड़ियां मिलती है, तो सभी गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से चलती है। गेम के अंदर प्लेयर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और ये गेम इस अपडेट में बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो जिन्होंने अभी तक इस गेम को अपडेट नहीं किया, तो जाकर जल्दी से अपडेट कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आसानी से अपडेट कर सकते हैं इस गेम को।